हेलो दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐप सबसे बेहतर है यूपीआई पेमेंट के लिए और कौन सा ऐप सबसे बेहतर है सेफ्टी के मामले में और कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा आसान है यूज़ करने में चलिए पहले जानते हैं गूगल पे के बारे में गूगल पे 2015 में आया था पहले इसका नाम तेज़ हुआ करता था फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके तेज़ से गूगल पे रख दिया गया गूगल पे यू को सपोर्ट करता है जिसमें आप एक से ज़्यादा बैंकों को लिंक करके बिना किसी चार्जेस के कहीं भी पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल पे में आप बिल पेमेंट से लेकर टिकट बुक तक बड़ी आसानी से कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कई बार आपको ये सब करने में बहुत ही अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं गूगल पे में आपको हाई सिक्योरिटी मिलती है जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं गूगल पे में कैश मोड भी मिल जाता है जिससे आप किसी भी मर्चेंट को बड़ी आसानी से पे कर सकते हैं गूगल पे में वॉलेट का सिस्टम नहीं है जिससे आप कहीं पे भी पेमेंट करोगे तो वो डायरेक्ट आपके बैंक से कटेगा और पिछले दो साल से मैं इस गूगल ऐप को यूज़ कर रहा हूँ बाकी यू पी ऐप से इसको यूज़ करना थोड़ा सा हार्ड है चलिए अब बात कर लेते हैं फोन पे के बारे में फोन पे ऐप में भी आपको यू का सपोर्ट मिलता है जिसमें आप एक से ज़्यादा बैंकों को लिंक करके बिना चार्जेस के कहीं भी पैसे बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं फोन पे ऐप भी 2015 में आया था फोन पे ऐप में आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और डीटीएच रिचार्ज से लेकर गोल्ड परचेज तक बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये सब करने में आपको कई बार बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं फ़ोन पे ऐप में भी आपको हाई सिक्योरिटी मिलती है जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होता है फोन पे ऐप में आपको टिकट रेस्ट और कॉल सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है अगर कोई ट्रांजैक्शन फ़ेल हो जाए आपका तो उसके लिए आप फोन पे पर टिकट क्रिएट या कॉल सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो फोन पे ऐप में आपको वॉलेट भी मिलता है जिसमें आप पैसा ऐड करके कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो और फ़ोनपे को यूज़ करना बहुत ही आसान है चलिए अब बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में पेटीएम ऐप 2010 में आया था पेटीएम ऐप भी गूगल पे और फ़ोन पे की तरह यू सपोर्ट करता है जिसमें आप बिना चार्जेस के पेमेंट कहीं पे भी बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम ऐप में आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर टिकट बुकिंग और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक कर सकते हैं और ये सब करने में आपको कई बार बहुत अच्छे ऑफर्स और कैशबैक मिलते हैं पेटीएम ऐप में आपको वॉलेट्स भी मिलता है जिसमें आप पैसे ऐड करके कहीं भी पेमेंट कर सकते हो जहां तक पे की सिक्योरिटी की बात है कई बार आपने पेटीएम से डेटा लीक होने की खबरें सुनी होगी पेटीएम की सिक्योरिटी काफ़ी वीक है बाकी वॉलेट के मामले में पेटीएम काफ़ी अच्छा है वैसे तो मैं ये तीनों ऐप पिछले दो साल से यूज़ कर रहा हूँ इन तीनों ऐप में से मैं आपको फ़ोन पे ऐप सजेस्ट करूँगा क्योंकि फ़ोन पे ऐप काफ़ी सेफ़ है यूज़ करने में जबकि पेटीएम का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी वीक है और पेटीएम में बैंक को लिंक करना एक तरह का रिक्स भी हो सकता है और फोन पे ऐप यूज़ करने में काफ़ी आसान भी है जबकि गूगल पे काफ़ी हार्ड है यूज़ करने में और गूगल पे में वॉलेट भी नहीं है अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी मदद से मैं ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आगे भी बनाता रहूँ धन्यवाद